दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंक सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स टीसीएच 2090 के बारे में। दोस्तों, हाल ही में टीसीएच 2090 जिंक सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। जैसे ही मैंने दोस्तों आज सेटअप बॉक्स ऑन किया, काफ़ी समय से बंद ही था दोस्तों, आज ही मैंने उसको ऑन किया और ऑन करते ही दोस्तों बाई डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर अपडेट शुरू हो गया। बाय डिफॉल्ट से मेरा मतलब है कि फोर्स्ड अपडेट जो कंपनी की तरफ से समय समय पर सेटअप बॉक्स को इन्हेंस करने के लिए, जो उसमें कमियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जिंक सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स डीसीएच 2090 में सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद कुछ समस्याएं भी आ रही हैं। अब वो एक्चुअल में कितनी रियल है दोस्तों, वो आज के इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं और आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों कि अगर इमेज से संबंधित या कह लें कि वीडियो रेजोल्यूशन से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो क्या उनको ठीक किया जा सकता है, और अगर अपने पास करेक्ट करने का ऑप्शन है तो वो क्या है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट जब हो रहा है दोस्तों तो कैसे अपडेट हो रहा है और कैसे उसके बाद सेटअप बॉक्स ऑटोमेटिकली फिर बूट कर रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। टेलीविजन स्क्रीन पर भी आपको दिखाएंगे दोस्तों वो सारे सेटिंग्स चेंज करके कि वीडियो रेजोल्यूशन कैसे आप सही कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही इंटरफेस आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा जब आपका सेटअप बॉक्स सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा होगा दोस्तों। तो इसको पूरा होने देना है दोस्तों, और ये जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा सेटअप बॉक्स आपका ऑटोमेटिकली रीबूट करेगा और उसके बाद आप नए फीचर्स क्या है उसमें देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आ गए हैं हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको कर लेना है दोस्तों रिमोट से मेन्यू बटन प्रेस। दोस्तों, सेटअप आपको समझ लेना है। अगर आप ये सेटअप समझ लेते हैं तो जो भी चैनल का लोगो या फिर जैसा कि कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि वीडियो रिजोल्यूशन थोड़ा छोटा हो गया, यानी रिजोल्यूशन जो वीडियो का है वो स्क्रीन पे थोड़ी छोटी दिख रही है पिक्चर, तो ये सेटअप यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद। कई सारे ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मेन्यू बटन प्रेस करने पे चैनल्स है, एक्टिव सर्विसेज, टीवी गाइड, माई डिश टीवी और हेल्प। करना क्या है दोस्तों आपको कि आपको यहाँ पर माई डिश टीवी ऑप्शन में चले जाना है और रिमोट से ओके बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप रिमोट से ओके बटन प्रेस करते हैं, वापस कई सारे ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, रिमाइंडर, फेवरेट्स, चैनल सेटिंग्स, वीडियो एंड डिस्प्ले, लैंग्वेज सेटिंग्स, टाइमर सेटिंग्स, टूल्स और एसटीबी इन्फोशीट। ये सारे ऑप्शंस दोस्तों सभी काम के हैं, लेकिन इस समय जो जरूरी ऑप्शन इसमें से है दोस्तों वो है वीडियो एंड डिस्प्ले। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो एंड डिस्प्ले का ऑप्शन जो अभी हाईलाइटेड है, आपको दिखाई दे रहा होगा हाईलाइटेड है वीडियो एंड डिस्प्ले का ऑप्शन। तो रिमोट बटन से जो ओके बटन के साइड में बटन्स होते हैं रिमोट में, उनसे आपको स्क्रॉल कर लेना ऊपर नीचे और पहुंच जाना है वीडियो एंड डिस्प्ले पे। दोस्तों, यहाँ पे वो सारी सेटिंग्स हैं जिनके माध्यम से, जिनको सेटअप करके आप अपने टेलीविजन स्क्रीन का रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है दोस्तों टीवी आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से रेजोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर सेटिंग्स के साथ साथ आप जो चेंजेस होंगे रेजोल्यूशन वो भी देख सकते हैं, और जो भी चेंजेस आपको आपके टेलीविजन व्यूइंग के हिसाब से ठीक लगता है उसको आप रख सकते हैं। तो हम कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर ओके बटन प्रेस। अब ओके बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों आप काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इसमें सबसे ऊपर ऑप्शन जो आ रहा है टीवी स्क्रीन फॉर्मेट, यही मेन है दोस्तों, यहीं से आप अपने जो सेटअप बॉक्स है उसका रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब आप चैनल्स देखते हैं तो आपको फुल स्क्रीन व्यू में ही चैनल्स दिखाई देते होंगे, कोई भी चैनल दोस्तों। बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप बॉक्स की सेटिंग होती है चैनल्स के हिसाब से 16:9 एस्पेक्ट रेशियो रहता है दोस्तों, और ये परफेक्ट है। तो आप देख लें दोस्तों, आपको यही रखना है। अगर ये आप रख रहे हैं 16:9 और आप 720p रेजोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन में तो परफेक्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए CRT टीवी पे देख रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं, फिर भी आप ऑडियो वीडियो जो लीड कनेक्ट करते हैं वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों टीवी सेटिंग्स में भी जा करके आप 16:9 रखिए
और वहाँ 16:0 रखने के बाद आप सीधे चले जाए अपने सेटअप बॉक्स के स्क्रीन पर। और अगर स्मार्ट टीवी यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो आपको सेम रेजोल्यूशन रखना है 16:9। अगर फिर भी दोस्तों आपको लगता है कि स्क्रीन फिर भी फिट नहीं बैठ रहा है, जो पूरा स्क्रीन कवर नहीं हो रहा पिक्चर, तो आपको करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो ओके बटन के बगल में साइड बटन बनता है वहाँ से आप ओके करेंगे और आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा 4:3 सेंटर। एक ही ऑप्शन है दोस्तों, 4:3 टीवी है और या फिर 16:9, ये दोनों में से एक रखना है। तो आप यहाँ 16:9 रख लें। इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे, हम नीचे अगर आने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बैनर टाइम आउट पे ऑप्शन चला जा रहा है लेकिन एस्पेक्ट रेशियो पे नहीं जा रहा है। दोस्तों अभी मैंने कोई चैनल ऑन नहीं रखा है, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप किसी चैनल, यानी मान के चलें कि अगर आप सोनी चैनल देख रहे हैं या फिर सेट मैक्स देख रहे हैं, कोई भी एक चैनल पे दोस्तों आप चले जाएं और उस चैनल को ऑन रखें। ऑन से हमारा मतलब है वो चैनल बैकग्राउंड में चलता रहे। उसके बाद आप मेन्यू बटन प्रेस करके इस ऑप्शन तक पहुँचें और यहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों 16:9 रखें या फिर कोई और रेशियो रख सकते हैं साइड करने के बाद। वहाँ पर जो आप देख रहे हैं 16:9 वाइड, यहाँ पे दोस्तों आपको फुल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको जूम का ऑप्शन आएगा, कई सारे ऑप्शन आएंगे दोस्तों डिपेंडिंग ऑन योर टेलीविज़न, यानी कि जो टीवी आप यूज़ कर रहे हैं उस टीवी के हिसाब के ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद देखें कि टीवी में क्या चेंजेस हो रहा है। अगर जूम कर देंगे दोस्तों तो हो सकता है पिक्चर काफ़ी फैल जाए और लोगो ऊपर चला जाए। तो आपके टीवी के अनुसार दोस्तों सेटिंग यहाँ से 100% हो जाएगी। एक ऑप्शन और आपको बता देते हैं दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं CVBS पाल सिस्टम यहाँ लिख रहा है, आप यहाँ पे कर दें दोस्तों NTSC करने के बाद भी काफ़ी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं, वो सेम ही है, आप दोनों में चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला सेटिंग डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यही सेटिंग रखें PAL। और यहाँ पर दोस्तों टीवी स्क्रीन फॉर्मेट में आप चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लें 4:3 जो हमने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे सेंटर भी आ रहा है, फुल भी आ रहा है, लेटर बॉक्स आ रहा है, सेंटर आ रहा है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में चेंजेस हो भी रहे हैं। ऐसे ही जब आप किसी चैनल पर रह के ये सारे सेटिंग्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके टेलीविजन स्क्रीन के जो चैनल्स डिस्प्ले हो रहेंगे उस पर भी दिखाई देगा। यहाँ पर 16:9 बाय डिफॉल्ट है दोस्तों। और कोई भी सेटिंग अगर डिस्टर्ब होती है दोस्तों तो आपको ये सेटिंग याद रखना है 16:9 टीवी 16:9 वाइड। काफ़ी सारे ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से आप उन सभी ऑप्शन के माध्यम से आपके अपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। चेंज से हमारा मतलब ये है कि अगर रेजोल्यूशन डिस्टर्ब हो गया है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है DCH 2090S में, अगर आप चाहते हैं कि ये रोल बैक हो जाए, सॉफ्टवेयर आप खुद से कर लें तो फैक्ट्री सेटिंग्स कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन फैक्ट्री सेटिंग्स करने से समस्या ये रहती है कि कभी कभी पुराना सॉफ्टवेयर ही वापस से अपडेट हो जाता है सेटअप बॉक्स में और फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं चैनल्स सेटिंग्स में या फिर कह लें कि सेटअप बॉक्स में, तो दोस्तों वो सेटअप बॉक्स को आज के हिसाब का, मतलब कि जो भी अलग अलग डिश टीवी के सेटअप बॉक्सेस हैं उनके हिसाब का ही रखा जाता है, यानी वो सेम सॉफ्टवेयर दोस्तों मिलता जुलता अपडेट होता है लगभग हर सॉफ्टवेयर सेटअप बॉक्स में कह सकते हैं। और इसलिए दोस्तों जो भी सेटअप बॉक्स में अपडेट होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से सेटिंग्स को एडजस्ट आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक और समस्या दोस्तों, काफ़ी दिनों से DCH 2090 सेटअप बॉक्स में आ रही थी और वो समस्या थी फेवरेट लिस्ट की दोस्तों। तो आगे आने वाले वीडियोस में दोस्तों हम उसको भी चेक करेंगे और चेक करने के बाद अपडेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद क्या ये समस्या भी बनी हुई है कि दूर हो गई है। तो एक नई चीज़ जो दोस्तों सामने आ रही है, काफ़ी हमारे व्यूअर्स जो चैनल को देखते हैं पसंद करते हैं उन्होंने भी काफ़ी समय से ये बार बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चैनल्स लोगो हैं और लोगों के अलावा अगर बात करें रेजोल्यूशन की तो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं दोस्तों। तो आज मेरे सेटअप बॉक्स का भी जो जैसे ही मैंने ऑन किया दोस्तों तो अपडेट हो गया है और अपडेट होने के बाद कुछ समस्या तो टेक्निकल इशू है दोस्तों ये, और टेक्निकल इशू ये है ये आप दूर कर सकते हैं, ये आ रही है वाकई में। अगर आपके सेटअप बॉक्स में भी दोस्तों कुछ इस तरह की समस्या है तो ये वीडियो देख करके समझ करके आप उनको सुधार सकते हैं या यूँ कह लें कि सही कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें
और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, और अगर आपके मन में कुछ कमेंट्स हैं, कमेंट्स से हमारा मतलब कुछ सुझाव हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप लिख करके बता सकते हैं। मन में कुछ सवाल है दोस्तों तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, हम उन सभी सवालों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी का दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।